स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड के द्वारा जारी जो नया पाठ्यक्रम है 2022 और 2023 सेशन के लिए जो नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है। और इसी पाठ्यक्रम यानी इसी सिलेबस के आधार पर मैं अब आपकी तैयारी करा रहा हूँ 2022 और 2023 वार्षिक परीक्षा की 2022 और 2023 वार्षिक परीक्षा की। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी नोट्स बनाकर बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस पाठ को, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। और इस पाठ का जो पहला श्लोक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पाठ का नाम क्या है, पुरुषोत्तमः रामः अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ राम। तीसरा अध्याय है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह पाठ आता है। और इस पाठ का जो पहला श्लोक है, इच्छवाक वंश प्रभो रामो नाम जनै सुताः नियतात्मा महावीर्यो धुतिमान रतिमान वसी। इस श्लोक का मैंने संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद, इस श्लोक का मैंने संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं, और चैनल की प्लेलिस्ट में ही आपको पहला जो अध्याय है जिसका नाम है वंदना, इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं सभी श्लोकों का संदर्भ और उनका हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध है। आप देख लें और अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज कौन सी डेट है, आज है 21 जुलाई। और अब आपको मेहनत के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अध्याय का, इस पाठ का जो दूसरा श्लोक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा श्लोक क्या है, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमच्छानु निर्वाणाः। और आगे लिखा हुआ है श्लोक के अंतर्गत, विपुलांशो महाबाहो कम्बुर्ग्रीवो महाहनु। इस श्लोक का मैं आपको संदर्भ बताऊंगा और इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है, तो जब भी आप संदर्भ लिखें, श्लोक का हो चाहे गद्यांश का हो, उसके शुरुआती शब्द को और अंतिम के शब्दों को लिखना होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप इसी तरह से नोट्स भी अपनी तैयार करते रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शुरुआती शब्दों को लिख लिया है बुद्धिमान नीतिमान, और अंतिम के शब्द को भी लिख लिया है ब्लैक पेन से महाहनु। क्या लिख लिया है, महाहनु। इसके बाद हेडिंग डाली है मैंने संदर्भ, और आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे और ब्लू यानी नीला और काला पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, तो संदर्भ क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत जो श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक के किस पाठ से है, पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। आप इस तरीके से भी संदर्भ लिख सकते हैं, और इसके पहले के वीडियो में मैंने संदर्भ लिखने का दूसरा तरीका भी बताया है, आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो संदर्भ लिखते समय आप ध्यान देंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, पाठ का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और पाठ का नाम क्या है, पुरुषोत्तमः रामः, जो कि संस्कृत खंड का पाठ है जिसे यूपी बोर्ड के द्वारा जारी नए सिलेबस के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा और हिंदी अनुवाद आपको कैसे लिखना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमच्छानु निर्वाणाः। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, हिंदी अनुवाद। और हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि वह राम बुद्धिमान नीतिमान श्रेष्ठ वक्ता लक्ष्मीमान
तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। वह राम बुद्धिमान, नीतिमान और श्रेष्ठ वक्ता, लक्ष्मीमान तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमच्छान निर्वाणः। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह मोटे कंधों वाला, वह मोटे कंधों वाला, बड़ी भुजाओं वाला, शंख जैसी गर्दन वाला। किसकी गर्दन वाला? शंख जैसी गर्दन वाला तथा बड़ी ढोंढ़ी वाला है, तथा बड़ी ढोंढ़ी वाला है। बिल्कुल आसान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हिंदी अनुवाद कि बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमच्छान निर्वाणः। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद? सरल है, बिल्कुल आसान, कि वह राम बुद्धिमान, वह राम जो है बुद्धिमान और नीतिमान, बुद्धिमान और नीतिमान, वाग्मी अर्थात श्रेष्ठ वक्ता और श्रीमच्छानु निर्वाणः और लक्ष्मीमान तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। किसका नाश करने वाला है? शत्रुओं का नाश करने वाला है। विपुलांशो महाबाहु, विपुलांशो महाबाहु, वह विशाल अर्थात मोटे कंधों वाला, वह मोटे कंधों वाला और महाबाहु अर्थात बड़ी भुजाओं वाला और कंबुग्रीवो, कंबुग्रीवो अर्थात शंख जैसी गर्दन वाला। शंख जैसी, किसकी? शंख जैसी, जिस प्रकार से शंख होता है ठीक उसी प्रकार की गर्दन वाला। और महाहनु, और वह बड़ी ढोढ़ी वाला है। किसके समान है? उसकी गर्दन शंख के समान है और उसकी ढोढ़ी बड़ी है। तो वह राम बुद्धिमान, नीतिमान, श्रेष्ठ वक्ता, लक्ष्मीमान तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। और वह मोटे कंधों वाला, बड़ी भुजाओं वाला, शंख जैसी गर्दन वाला तथा बड़ी ढोढ़ी वाला है। तो मैंने आपको इस श्लोक का संदर्भ बता दिया है, लिखने का तरीका और हिंदी अनुवाद भी बता दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस पाठ का तीसरा श्लोक है। अगले वीडियो में मैं आपको इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें और 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। यहाँ पर मैंने आपको इस श्लोक का यानी जो दूसरा श्लोक है उसका संदर्भ लिखने का आसान तरीका बता दिया है और सरल हिंदी अनुवाद भी बता दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आज है 21 जुलाई और अब आपको अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर देना है। मैं आपको हिंदी विषय से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा और चित्रकला विषय से भी रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगे चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। आपकी तैयारी एकदम बेहतर होगी, आप चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद।